नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई की फेमस रेसिपी तवा राइस। इसको तवे में बनाया जाता है और ये काफ़ी फेमस है, स्ट्रीट फूड है। इसको आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ये राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। ऑयल गरम होने के बाद 1 टीस्पून जीरा, और जीरा जब तड़क जाएगा तो 2 प्याज डाले हैं मीडियम साइज के, मोटे कटे हुए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको केवल 1-2 मिनट ही भूनना है। बहुत ज़्यादा मतलब पकाना नहीं, क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे। और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको 1 मिनट भूनना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। लहसुन भुनने के बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये तीखी नहीं होती। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फ्लेम यहाँ पे लो की हुई है। और 2 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज के, उनको बारीक काटा हुआ है। और 2 शिमला मिर्च है मीडियम साइज की कटी हुई। और 100 ग्राम ये उबले हुए मटर हैं। और टमाटर है 3 मीडियम साइज के, मोटे कटे हुए। मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसको कवर करके जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तो 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो 2-3 मिनट बाद टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। ये पाव भाजी मसाला इसमें डलता ही है, तो ये आपको डालना जरूरी है। ये मुंबई का स्ट्रीट फूड है तो वही मैं बना रही हूँ। अब घर में इतने बड़े तवे नहीं होते, इसलिए तवे पे नहीं बना पाई, तो मैंने कढ़ाई में बनाया है। और मैंने 300 ग्राम ये राइस लिए हैं, ये पुलाव राइस है, और इसको मैंने 300 ग्राम ये कच्चा है और उसको बनाया है, फिर पकाया है और पकाने के बाद डाला है। तो 300 ग्राम मैंने कच्चा पुलाव वाला राइस लिया है। आप इसमें सिंपल जो राइस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पुलाव वाला यूज़ किया है। पुलाव राइस मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे पुलाव वाला राइस यूज़ किया है। जो पक्का चावल होता है पुलाव वाला, वो यूज़ किया है। मैं यहाँ पे ये 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे चावलों को। और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाला है, मतलब 1 बड़ा नींबू है उसका रस निकाल के डाला है, तो 1 टेबलस्पून के आसपास है। नींबू को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे नींबू के रस को। और 1 कटोरी हरा धनिया। अच्छी तरह से धनिया को मिक्स कर देंगे।
अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए आपको वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो चावल है हमारा कितना खिला खिला बना है और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और लंच बॉक्स में देने के लिए परफेक्ट रेसिपी है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।